गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नीना एंड द बेबी स्पैरोस। चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की आंट की शादी होने वाली थी। नीना हर फादर मदर एंड लिटिल ब्रदर वर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। नीना उसके पापा उसकी मम्मा उसका छोटा भाई सब दिल्ली जा रहे थे एक शादी के लिए। एवरीवन वाज हैप्पी एक्सेप्ट नीना। सब खुश थे नीना के सिवाय। हर मदर टुक हर टू द मार्केट टू बाय ए न्यू ड्रेस। नीना की माँ उसे मार्केट लेके जाती है बाजार लेके जाती है एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक मदर आस्क्ड। तुम्हें कौन सा कलर पसंद है माँ ने पूछा। आई डोंट वॉन्ट अ न्यू ड्रेस मदर सेड नीना। माँ मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए नीना ने कहा। सलवार कमीज देन तो फिर सलवार कमीज। नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सिर हिलाया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज यू सा लास्ट वीक। उन प्यारे सफेद जूतों का क्या होगा जो तुमने पिछले हफ्ते देखे थे। आई डोंट वॉन्ट दोज इधर थैंक यू मदर मुझे वो भी नहीं चाहिए माँ शुक्रिया। नीनास मदर वाज अपसेट। नीना की माँ उदास थी। बट शी सेड नथिंग पर उसने कुछ नहीं कहा। दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच। वो घर वापिस आए और उन्होंने लंच किया। आफ्टर लंच दोपहर का खाना खाने के बाद मदर केम एंड सेट नियर नीना। माँ आई और नीना के पास बैठ गई। वट इज इट चाइल्ड बच्चे ये क्या है शी से आस्क्ड उसने पूछा। वाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग तुम हर चीज के लिए ना क्यों बोल रही हो। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। माँ मैं शादी के लिए नहीं जाना चाहती। वेडिंग का मीनिंग होता है शादी। बट वाई लेकिन क्यों नीना सेट नथिंग नीना ने कुछ नहीं कहा। इंस्टेड टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स। इसकी बजाय दो बड़े बड़े आंसू उसकी गालों पर आ गए। इंस्टेड का मीनिंग होता है बजाय। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना। माँ ने नीना को अपनी बाहों में ले लिया। डोंट क्राई माई पेट रो मत मेरी बच्ची शी सैड उसने कहा। वाई डोंट यू टेल मी वर्ड्स बोथरिंग यू तुम मुझे बता क्यों नहीं रही हो कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। बोथरिंग का मीनिंग होता है परेशान करना। मोर टीयर्स रोल डाउन नीनास चेक्स। नीना के गालों पर और आंसू आ गए। मदर शी सैड माँ उसने कहा। देयर्स स्पैरोस नेस्ट ऑन द बुक शेल्फ इन माई रूम। वो कहती है कि यहाँ एक चिड़िया का घोंसला है बुक शेल्फ के ऊपर मेरे कमरे में। एंड देयर आर टू बेबी स्पैरो इन द नेस्ट और उस घोंसले में दो चिड़िया के बच्चे हैं। आई सी सेड मदर मैं समझ गई माँ ने कहा। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट देयर फैदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री। वो बड़े हो रहे हैं उनके पंख उग रहे हैं। बड़े होने के साथ उनकी भूख भी बढ़ गई है। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चीप चीप आस्किंग फॉर फूड। वो सारा दिन चीप चीप की आवाज़ करते हैं और भोजन के लिए रोते हैं। आई सी सैड मदर मैं समझ गई माँ कहती है। इफ़ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड। अगर हम गए तो पूरा घर जो है वो लॉक्ड हो जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड ममा स्पैरो फीड देयर बेबीज। तो जो पापा स्पैरो हैं और ममा स्पैरो हैं वो अपने बच्चों को खाना कैसे देंगे। ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग। ओ नीना ये कहकर उसकी माँ रोने लगती है और नीना को गले लगा लेती है। इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग। बस यही कारण है कि तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो। बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल पर ये तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। वी विल लीव द विंडो ओपन हम खिड़की खुली छोड़ देंगे। ओ कैन वी मदर कैन वी रियली वो कहती है। ओ क्या ऐसा हो सकता है माँ क्या ऐसा हो सकता है सच में। यस यस हाँ हाँ वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड। तो माँ कहती है हाँ हाँ हम सारी तुम्हारी चीज़ें कमरे से बाहर निकाल देंगे और कमरे को बाहर से लॉक कर देंगे। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड ममा स्पैरो कैन कम एंड गो फ्रीली। तो वो कहती है इससे हमारा घर जो है सेफ भी रहेगा और पापा स्पैरो और ममा स्पैरो आ जा सकेंगे आराम से।
जस्ट थिंक नीना, वाइल यू एंजॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग द बेबी स्पैरो विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन देयर नेस्ट। वो कहती है कि जरा सोचो नीना, जब तुम शादी में इंजॉय कर रही होगी तो चिड़िया के बच्चे अपने घोंसले में मोटे हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। गुड आइडिया इज नोटेड, क्या ये अच्छा विचार नहीं है, माँ ने कहा। इट वॉज ए गुड आइडिया, यह अच्छा विचार है, नीना ने कहा। वैन नीना कम बैक फ्रॉम द वेडिंग देयर वर टू प्लम्प लिटल स्पैरो फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम। तो जब नीना शादी से वापस आई तो उसने देखा तो मोटे मोटे प्यारे प्यारे स्पैरो के बच्चे रूम में उड़ रहे हैं। एंड वाज नोट नीना थ्रिल, तो क्या यह देखकर नीना रोमांचित नहीं हुई होगी। इस कहानी में हमने कुछ नए शब्द भी सीखे हैं, चलिए देखते हैं। मार्केट, मार्केट का मीनिंग होता है बाजार। बोथर, बोथर का मीनिंग होता है परेशान होना। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मीनिंग होता है दिक्कत। ड्रेस, ड्रेस का मीनिंग होता है पोशाक। अपसेट, अपसेट का मीनिंग होता है उदास होना। रिमूव, रिमूव का मीनिंग होता है हटाना। वेडिंग, वेडिंग का मीनिंग होता है शादी। सो स्टूडेंट्स, ये थी स्टोरी नीना एंड द बेबी स्पैरोज। आई होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। थैंक यू।